मुंबई ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार सुबह एक बार फिर प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने किसी के ऊपर हवा में आरोप नहीं लगाया, बल्कि तथ्यों के साथ इसे सामने लाया है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। वानखेड़े ड्रग्स का खेल खेल कर करोड़ों की उगाही करता है। उनके बाकी के अधिकारियों को देखिए, जो केवल 700 से लेकर 1000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। वानखेड़े रोज नई शर्ट बदल कर आते हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वानखेड़े 2 लाख के जूते, 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया? बता दें कि इसके साथ ही मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आया, उसने एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की। ये प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स कारोबार करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।